बड़ी खुशी की बात है कि 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा का माहौल पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे क्षेत्रों के अंदर, बच्चे बच्चे के मुंह में राम राम राम, बस राम जी आ रहे हैं। एक ही भाव क्रिया, भावना भक्ति का फल यहाँ सबके सामने दिखाई देता है। मैं माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी साहब, माननीय गवर्नर साहब और क्षेत्र के मंत्रीगण और जितने साधु संत और इसमें जितने सेवक लगे हुए और जितने भी आईपीएस आईपीएस ऑफिसर लगे हुए, प्रशासन भी जो लगा हुआ है, साथ में मीडिया लगा हुआ है, जो इस कार्य को पूरे विश्व लेवल पर एक आवाज को बुलंद करते हुए जय श्री राम का एक ही नारा के साथ में वो उस प्राण प्रतिष्ठा का माहौल घर घर तक पहुंचा रहे। और मानो की दीपावली आ गई है। दीपावली वो भी थी जब भगवान महावीर और उसके बाद रामचंद्र वनवास में आए थे, वो बनाते थे, पर 22 को एक नई दीपावली का महोत्सव पूरे भारत के अंदर गुजरा है। मैं अपने समस्त साधु भगवान, जैन समाज श्रावक साविका और मैं मेरी तरफ से इस पावन वेला पर मंगल आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये परमात्मा की खुद परमात्मा अगर हमको दिखाई, प्रतिमा के सामने जाते हैं तो हम दृश्य को न देखे, दृश्य को देख के भावुक न हो, प्रतिमा को देखे और प्रतिमा के गुणों को मन के अंदर उतारे और उसके गुणों को घट में उतार कर अपने जीवन को सफल बनाए, ताकि ये मूर्ति के माध्यम से हम खुद परमात्मा का दर्शन करें और परमात्मा का दर्शन करते हुए खुद को ही परमात्मा बनने की कोशिश करें। यही मेरे मंगल भाव और मंगल शुभकामनाएं रहेगी। और ये प्रतिष्ठा का महत्व पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम में वातावरण बना हुआ है और राम में वातावरण बनता रहे, और यही शुभकामनाएं मैं अपने हृदय रूपी भावना से राम प्रतिष्ठा के प्रभु परमात्मा के प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ये मंगल आशीर्वाद दे रहा हूं। और साथ में प्रभु के चरणों में मेरा वंदन भी, परमात्मा मेरा स्वीकार करे, उनको भी मैं नमन करता हूं। और साथ में केंद्र और राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि उस दिन विशेष करके छुट्टी का महोत्सव रखे तो सबको दर्शनार्थ के लिए, कार्य के लिए क्षेत्रों में पूजा भक्ति पाठ दान पुण्य का भी मौका परमात्मा के रूप में उनको प्राप्त हुए, यही मंगल शुभकामना है और यही मेरा सबको आशीर्वाद।